आज का पहला अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन को लेकर। तो ये स्मार्टफोन आज सुबह इंडियन BIA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर पकड़ा जा चुका है, क्योंकि इसकी इंडिया लॉन्च को काफ़ी कंफर्म कर देता है। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन के अंदर हमें काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप ग्रेड के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी प्राइजिंग हो सकती है तकरीबन 30,000 इंडियन रुपये के आसपास। आज का दूसरा अपडेट यहाँ पर आता है ओप्पो की स्मार्ट वॉच को लेकर। तो ये स्मार्ट वॉच काफ़ी दिनों पहले 21,000 रुपये की प्राइस रेंज में चाइना के अंदर लॉन्च हो चुकी है, और आज ये स्मार्ट वॉच FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी पकड़ी जा चुकी है, जो कि इसके ग्लोबल और इंडिया लॉन्च को कंफर्म कर देता है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी हमें काफी अच्छे फ्लैगशिप ग्रेड के फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी इंडियन प्राइस हो सकती है तकरीबन 21,000 रुपए के आसपास, और ये स्मार्ट वॉच ओप्पो रेनो 4 प्रो के साथ इंडिया के अंदर भी आ सकती है। आज का तीसरा अपडेट आता है रियलमी C11 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग को लेकर। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो, जिसकी फुल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, और इसका ऑफिशियल सोर्स भी मैंने यहां पर नीचे की तरफ लिख दिया है। तो ये वाली अनबॉक्सिंग की वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि अभी तक ये स्मार्टफोन कहीं पर भी दुनिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, और आज इसका लॉन्च इवेंट है इंडोनेशिया के अंदर, और 30 तारीख को ये स्मार्टफोन मलेशिया के अंदर लॉन्च हो रहा है, जिसकी इंडियन प्राइस हो सकती है तकरीबन 9,500 रुपए 2GB 32GB वेरियंट के लिए, और 3GB 32GB वेरियंट के लिए 10,500 रुपए के आसपास। इसके अलावा ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो realme.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इसका एक पेज कुछ दिनों के लिए ऑफिशियल हुआ था। आज का अगला अपडेट यहां पर निकल कर आता है रियलमी की तरफ से रजिस्टर किए गए नए पेटेंट्स को लेकर। तो रियलमी ने सबसे पहले तो 5 नए कैमरा मॉड्यूल वाले पेटेंट को रजिस्टर किया है, जिसके अंदर जो रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन आने वाले हैं उनमें जो कैमरा मॉड्यूल होगा, कैमरा का जो लेआउट डिजाइन होगा, वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि काफी यूनिक है रियलमी के अभी जो एग्जिस्ट स्मार्टफोन्स हैं उनसे। इसके अलावा रियलमी ने अपने एक नया गेम पैड का भी पेटेंट रजिस्टर कराया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि रियलमी आने वाले समय में एक गेम पैड भी लॉन्च कर सकती है, और हो सकता है कि रियलमी की तरफ से कि हमें गेमिंग स्मार्टफोन भी काफी जल्दी देखने को मिल जाए। आज का अगला अपडेट निकल कर आता है सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन को लेकर। तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि आज ये स्मार्टफोन इंडियन TUV सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर पकड़ा जा चुका है, जिसके अंदर हमें 3900 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और तकरीबन 8W की चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन की प्राइसिंग होगी तकरीबन 7 या 8 हज़ार इंडियन रुपए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से एंट्री लेवल स्मार्टफोन का काम इंडिया के अंदर करेगा। आज का आखिरी अपडेट यहां पर निकल कर आता है OnePlus Z या फिर OnePlus Nord स्मार्टफोन को लेकर। तो सबसे पहले तो इसका नाम तकरीबन ऑफिशियल हो चुका है, जो कि होने वाला है OnePlus Nord, क्योंकि Amazon के सोर्स कोड और जो इसका ऑफिशियल पोस्टर है वो इसी बात को इशारा करते हैं कि इसका नाम होगा OnePlus Nord। साथ साथ इसी स्मार्टफोन के अंदर हमें डुअल पंच होल के रूप में फ्रंट कैमराज देखने को मिलेंगे, जहां पर एक कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने भी ऑफिशियल अब तो कर दिया है। इसके अलावा OnePlus का एक 65W का फास्ट चार्जर इंडियन BIA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी पकड़ा जा चुका है। तो जो OnePlus 8T सीरीज होगी उसके अंदर हमें 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अभी तक OnePlus के स्मार्टफोन्स के अंदर हमें 30W की ही चार्जिंग का सपोर्ट था, और अब अचानक से जो 80 सीरीज आएगी वहां पर हमें 65W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यार बस आज के जो भी लीक्स, जो भी अपडेट और न्यूज थी स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग यही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। मैं कुमार मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।